शादी के बाद वो पत्नी बन के आई है, भारत और पाकिस्तान का रोटी और बेटी का रिश्ता रहा, तो इसलिए वहां से आई है और यहाँ और आते बुलंदशहर कोर्ट में प्रोसेस किया जो भी करना था वो किया। एटीएस की लंबी पूछताछ के बाद नोएडा पुलिस ने पाकिस्तानी सीमा हैदर मामले की जांच तेज कर दी है। सीमा पाकिस्तान की नागरिक है या नहीं इसकी पुष्टि के लिए उसके दस्तावेज पाकिस्तानी एम्बेसी भेजे गए हैं। वहीं पिछले कई दिनों से सीमा की तबीयत काफी खराब चल रही थी। सोमवार को सीमा की वकील व सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एपी सिंह उसके घर पहुंचे और उसका हाल चाल जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीमा को भारत की नागरिकता जरूर मिलेगी, जिस आधार पर आज तक पहले देश में हजारों लोगों को नागरिकता मिल चुकी है उसी आधार पर सीमा को भी नागरिकता मिलेगी, क्योंकि अब वह की बहू है। सीमा गुलाम हैदर को भारत में नागरिकता मिलने को लेकर काफी अड़चने हैं। सीमा ने राष्ट्रपति से नागरिकता देने की गुहार लगाई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता केपी सिंह ग्रेटर नोएडा पहुंची, जहां पर उन्होंने रबुपुरा में सीमा से उसका हालचाल जाना और उसके परिवार से मुलाकात की। एपी सिंह ने कहा कि सीमा गुलाम हैदर की तरफ से देश की महामहिम राष्ट्रपति के पास नागरिकता के लिए दया याचिका भेजी गई है। उन्हें उम्मीद है कि सीमा को नागरिकता जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिस आधार पर अब से पहले देश में हजारों लोगों को नागरिकता मिल चुकी है उसी आधार पर सीमा गुलाम हैदर को भी भारत की नागरिकता मिलेगी। केपी सिंह ने कहा कि उन्होंने फोन पर बातचीत के दौरान सीमा से कहा था कि जांच एजेंसियों और पुलिस के सवालों का वह सही सही और सच सच जवाब दे, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, इसलिए एजेंसियों की जांच पूरी हो जाने दे, उसके बाद सच सबके सामने आ जाएगा। अधिवक्ता एपी सिंह ने कहा कि सीमा की कई दिनों से तबीयत खराब चल रही थी, उनका हालचाल जानने के लिए आज मैं रबुपुरा आया हूं। एटीएस जांच कर रही है, पुलिस को जो जांच करानी अच्छी से अच्छी जांच कराए, हमने भी कह रखा है, सीमा ने भी कह रखा है, और पुलिस को कहीं इसको आप एक नहीं करेंगे, जो बोलेगी सच बोलेगी, शुरू से अब तक सच बोला है। लेकिन यहाँ प्रवेश पर थोड़ी सी अपनी पाबंदी रखो, आप लोगों को खबरें बहुत मिल गई, सबको इंटरव्यू मिल गए, सब ने चला लिया, सब चल गया, अब इसे भी थोड़ा चैन लेने दो, इसको थोड़ा जीने दो, इसे राहत मिलने दो। दोनों देख रहे हैं आप, उसको डेक्सट्रोज चला, उसके हाथ में देख रहे हैं ग्लूकोज, इसको कल डेक्सट्रोज चल रहा था, बीपी लो हो जाता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जीवन खतरे में पड़ जाता है। अब पुलिस यहाँ लॉ ऑर्डर व्यवस्था करने की बली, कोई असामाजिक तत्व तुम सबके बीच में फायदा उठा के आएगा, जिम्मेदारी किसकी होगी, इनकी जिम्मेदारी। भारत में डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में है आप, यहाँ डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी और योगी जी। कानून में विश्वास रखिए, जांच में विश्वास रखिए, कहीं किसी के साथ गलत नहीं होगा। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया है, यत्र नारत्र पूज्यते, नारी की पूजा भारत में होती है। भारत सीता सावित्री गार्गी अपाला अनुसुईया रजिया सुल्ताना हाडा की रानी को महत्वता देता है। भारत देश सबका साथ, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके साथ न्याय का नारा दिया है। योगी जी संत हैं, मोदी जी भी संत हैं।